निव्या अंतरिक्ष फुटबॉल भाई एक ऐसी फुटबॉल जो यूज टू तो बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फुटबॉल बैक इन द टाइम ये मैं 2016-15 की बात कर रहा हूँ आपसे एक ऐसी फुटबॉल जिसका हम आज ऑब्वियसली रिव्यू भी करेंगे पर उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये फुटबॉल का डाउनफॉल क्यों आ गया है अगर आज के टाइम में आप देखोगे तो ये फुटबॉल आपको निव्या के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगी आपको ये सिर्फ अमेजोन फ्लिपकार्ट और जो स्पोर्ट्स शोज होते हैं ऑफलाइन वहीं पे मिलने वाली है क्या ये फुटबॉल का एक्चुअली डाउनफॉल आ गया है हैज इट स्टॉप इट्स प्रोडक्शन क्या हुआ है मैं वो बताऊंगा आपको वीडियो के अंदर हम रिव्यू ऑब्वियसली करने वाले हैं ये फुटबॉल का आई एम गोइंग टू टेल यू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एज यूजुअल विद आर ड्रिल्स ये भी बताऊंगा किन लोगों को अगर ये फुटबॉल लेनी है तो लेनी चाहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब यू गाइस नो द ड्रिल

सिंथेटिक रबर की टॉप लेयर है जो कि यहाँ पे मैंशनड है दिस इज़ एन ऑल वेदर प्रूफ फुटबॉल ये सब कुछ फुटबॉल के ऊपर दिया गया है तो दिस इज रियली अ गुड थिंग और एक इम्प्रेसिव चीज़ बताऊँ धीरे से घुमा के तो भाई फीफा क्वालिटी प्रो फुटबॉल है ये तो ये कोई फर्स्ट कॉपी या कुछ नहीं बट दिस इज एन एक्चुअल फीफा क्वालिटी प्रो फुटबॉल ठीक है अब वी विल डिस्कस दिस फर्दर 32 पैनल कंस्ट्रक्शन है 32 पैनल जिन्हें नहीं पता होते हैं ऐसे 32 बने हुए हैं फुटबॉल के ऊपर ठीक है भाई सो ऑब्वियसली दिस हैज अ स्टिच्ड कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली रबर बॉन्डेड फैब्रिक लैमिनेशन इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है विच इज अ गुड थिंग ब्लैडर इसका लाटेक्स है तो भाई ऑप्टिमम एयर रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट आप इससे कर सकते हो ऑल वेदर प्रूफ है मैंने कहीं पे तो आई थिंक एक वेबसाइट पे पढ़ा था हार्ड एंड रफ सर्फिस के लिए ये फुटबॉल दिया गया है बिकॉज because... ऑफिशियल जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वेबसाइट के ऊपर है सो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट बट वन वील इट ऑन द टर्फ व्हील सी एंड बाउंस एंड एवरी थिंग वो भी हम जब हमारा ड्रॉप टेस्ट करेंगे तब भी पता चल जाएगा ये इसका कलर अच्छा है वाइट कलर है वही यार इसके वही जो निव्या की बेसिकली दिवाली वाली डिजाइनिंग होती है इसके अंदर भी वही है बेसिकली सो ये नाउ लेट्स गेट टू द ड्रॉप टेस्ट लेट्स गेट टू द ड्रॉप टेस्ट ऑफ दिस फुटबॉल फीफा क्वालिटी प्रो फुटबॉल है इंटरनेशनल बाउंसिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होती है ऑब्वियसली बट लेट्स सी हाउ इट गोज वन वी थ्रो अप ओके ओके ओ एक्चुअली सरप्राइजिंगली इसका फर्स्ट बाउंस बहुत ज्यादा ऊपर है यार लेट्स डू इट अगेन आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज सिंथेटिक रबर है इसके ऊपर ले तो रबर से बाउंस थोड़ा ज्यादा बोलता है लेट्स डू इट अगेन देखो सी द फर्स्ट बाउंस इज सो हाई अप इन दी एयर भाई लेट्स स्टार्ट जगलिंग विद द फुटबॉल देखेंगे पैरों के तरफ एज यूजल कैसा फील करती है लेट्स स्टार्ट ओके थोड़ा डिफरेंट है काफ़ी ओल्ड निविया वाइब्स ओके नॉट बैड आट ऑल ब्लैडर काफ़ी ज़्यादा पैरों पे फील होते हुए ओके बट दिस इज ईज़ी टू जागल फील्स गुड लेग्स के ऊपर भी ओके सो दिस इज़ गुड दिस इज़ एक्चुअली एन इम्प्रेसिव फुटबॉल भाई अच्छी तरह बाउंस कर रही थी पैरों के ऊपर आई डेट फील कि थोड़ा होती है ना पुरानी फुटबॉल का ब्लैडर एक ऐसे एक आवाज़ आती थी कोई इस तरह से कुछ मतलब फुटबॉल कहती है बट एक रिंग ट्रिंग करके एक आवाज़ आती है आई डोंट नो इफ गेटिंग माई पॉइंट बट आई विल लेट यू गाइज नो लेटर इन द वीडियो लेट्स स्टार्ट ड्रिबलिंग विद द फुटबॉल एंड लेट्स सी हाउ डज इट परफॉर्म अब देखो ड्रिबल डिसेंट किया ऐसा नहीं लाइट टच दो आप थोड़ा तो थो बॉल आगे बढ़ती है ज़्यादा ग्रिप है नहीं फुटबॉल के ऊपर तो मैं ऑनेस्टली कहूँगा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत चलना एटलीस्ट ग्रिप वाइज तो लाइट टच में बॉल अच्छा ट्रैवल कर रही थी सिर्फ टर्फ की बात करें तो ठीक है भाई सही से ट्रैवल कर रही थी इट्स एन ऑल सॉफिस फुटबॉल तो ठीक है डिसेंटली वल बट आई वुड नॉट टेल यू गज टू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम दिस फुटबॉल डिसेंट टाइम फॉर द शॉर्ट्स मुझे ऐसा लगता है कि बॉल फ्लाइट अच्छा देगी क्योंकि बॉल काफ़ी ज़्यादा लाइट है अपर लेयर जो है ना वो सिंथेटिक रबर के तो जो कांटेक्ट होगा का ना पैरों के साथ क्योंकि जगलिंग के टाइम पे बॉल काफी ज्यादा अपलिफ्ट हो रही थी तो आई फील शूट के टाइम पे भी थोड़ी सी ज्यादा लॉफ्ट होने का चांसेस है hey! सो येस वी डेड एवरी थिंग विद द फुटबॉल वी कुड मेरे ये फुटबॉल को लेके थोड़े से मिक्स इंप्रेशन है ठीक है अब क्या है ना कि निविया अंतरिक्ष जो फुटबॉल है इट्स नॉट अ बैड फुटबॉल एट ऑल मैं नहीं बोलूंगा कि ख़राब फुटबॉल है बट आई डोंट थिंक यू शुड एक्सपेक्ट ड्यूरेबिलिटी फ्रॉम दिस फुटबॉल क्योंकि यू है दिस सर्न आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो एक ये देखो टोटली वॉइस आती है इसमें से आई डोंट नो क्यों वो एक जो टिपिकल निव्या फुटबॉल बनाती थी, थी पुराने वाले ये एकदम उसकी फ़ील आती है फीफा क्वालिटी प्रो समवेयर यस समवेयर नो मटीरियल एंड ऑल इतना अच्छा नहीं है नॉट वेरी बैड ऑल्सो बट कुड हैव बीन बेटर फीफा क्वालिटी प्रो आई फील ये जब पुरानी बनी थी तब शायद फीफा क्वालिटी या फीफा के जो स्टैंडर्ड्स होते थे टू मेक अ फुटबॉल तब से लेके अब तक काफ़ी चेंजेस आ गए हैं तो ये तब के हिसाब से कि ठीक है दिस इज़ आई वुड कॉलेट एंड आउटडेटेड फुटबॉल अब फीफा के जो रूल्स आ गए वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गए तो फुटबॉल्स उस हिसाब से आने लग गई है वन ऑफ द रीजन्स आई फील निविया अंतरिक्ष आपको क्यों नहीं मिलती वेबसाइट के ऊपर या क्यों निव्या ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है वट एवर द रीज़न इट इज़ इट्स नॉट ऑन द वेबसाइट निवियानिंग सारा इस बिकम रियली फेवरेट वन टोरेडो एक्चुअली काफ़ी जंपअप कर चुका है निव्या ने अस्त्र भी एक रिलीज़ किया है थर्टी टू पैनल वाला वो भी कुछ सेम प्राइस सेगमेंट में ही आ जाता है निव्या डोमिनेटर थ्री पॉइंट ओ की भी प्राइसेस रिड्यूस कि उन्होंने सो so, ये सारे काफ़ी बेटर फुटबॉल दान निव्या अंतरिक्ष येस दे ट्राइड टू कैप्चर द इंडियन मार्केट जहाँ जैसे कि अंतरिक्ष लिखा हुआ है देवनगरी मैन एवरी थिंग एक टिपिकल इंडियन फुटबॉल बनाने की इसको कोशिश की थी आई फील फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम वैम टॉकिंग इज टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन फिफ्टी सिक्सटीन एज वेल तब शायद चली होगी बढ़िया तरीके से बट अब ये नहीं चलने वाला है क्योंकि देखो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन भी इसका फुल दिवाली है ड्यूरेबिलिटी में ज़्यादा एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ उससे इट्स अ गुड फुटबॉल फ्लाइट अच्छी है आई फील बाउंस अच्छा है इसका लेकिन इसका बाउंस कुछ ज़्यादा ही है एक कंट्रोलेबल बाउंस होना चाहिए वो सही है ड्रिबल हमने क्या था ड्रिबल भी ठीक हो गई थी ऐसे में बुरी ड्रिबल नहीं हुई थी बट अगर आप इसके साथ रफ खेलोगे ना तो ये फुटबॉल ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं रहेगी आई थिंक ये प्यार से खेलने वाली फुटबॉल आप इसको टर्फ ऑफ पर यूज़ करो या मड ग्राउंड पर ले जाओ तो ठीक है लेकिन जहाँ पर आप इसको रफ यूज़ करने लग जाओगे ना तो आई फील ये बॉल आपका उतना साथ नहीं देगी वेयर आउट हो जाएगी और ऊपर के जो ये है ना आप देखोगे जो पैनल का जो रबर सिंथेटिक वाली जो लेयर है ये धीरे 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 कट होने लग जाएगी धीरे धीरे थोड़ा सा क्या हो जाएगा ना वीक होने लग जाएगी वीक वुड बी द बेटर वर्ड नाउ कमिंग टू द प्राइस पॉइंट ऑफ दिस फुटबॉल ठीक है अब ये बॉल आपको कल्याणी स्पोर्ट्स में ट्वेल हंड्रेड रुपीजी की मिल जाती है टेन फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट ऑब्वियसली मिल जाएगा बोलते ना रोचक का चैनल देखे है, तो भाई आपको डिस्काउंट कंफर्म दे देंगे सो यस टेन फिफ्टीन परसेंट भी अगर आप लोग निकालोगे तो कम से कम आपको हज़ार रुपये ग्यारह सौ रुपये तक की फुटबॉल ये इजिली मिल जाती है विच आई थिंक इज़ नॉट वर्थ द मनी वन थाउजेंड रुपीज़ में यू गेट बहुत अच्छी फुटबॉल्स निविया में ही अस्त्र मिल जाता है डोमिनेटर भी आपको भी ट्वेल्व हंड्रेड में मिल जाता है सब कुछ है यू गेट बेटर फुटबॉल्स इन द सेगमेंट ऑफ वन थाउजेंड रुपीज़ इन निविया सो राइट नाउ आई वुडेंट सजेस्ट यू गाइज टू बाई दिस निविया अंतरिक्ष फुटबॉल बट येस इट्स अ गुड ट्राई बाई नि ट्राइंग टू गेट इन टू द इंडियन मार्केट बाई गेटिंग एन इंडियन फुटबॉल जो कि अंतरिक्ष जिसका नाम है भाई जो थोड़ा इंडियन uh, मार्केट को केटर करती है एक तरह से कि भाई इंडियन लोगों को अपने नाम की कि हमारे पास जो फुटबॉल है उसका नाम अंतरिक्ष है अंतरिक्ष यानी कि स्पेस ये वो सब थोड़ी होगी श्राटेजी बट हाँ इट्स अ मिस समवेयर इट्स अ हिट समवेयर ऐसे मैं बोलूँगा बॉल के बारे में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये बॉल से मत रखना एंड अगर लेना चाहते हो तो मैं तो मना कर दूँगा आप ये फुटबॉल लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है हज़ार रुपये खर्ची करने तो भाई इससे और बेटर फुटबॉल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है सो येस आई थिंक दिस वॉज इट फ्रॉम द वीडियो पीपल ये पूरा का पूरा रिव्यू था निव्या अंतरिक्ष का पुरानी हो गया यार फुटबॉल आप देखो इसके ब्रांडिंग भी पुरानी वाली है निव्या के अभी जो ब्रांड लेबल है जो लोगो है वो भी अभी चेंज हो गया तो बॉल पुरानी है पुराने मेथड्स पुराने जिस तरह बनते थे पुराने फीफा क्वालिटी प्रो की जो भी है सब कुछ पुराना है फुटबॉल के अंदर इट्स एन आउटडेटेड फुटबॉल कमेंट इन द सेक्शन इफ यू गाइस अग्री टू व्हाट आई सेड और अगर आपके कुछ और ओपिनियन फुटबॉल को लेकर और इफ आई मिस समथिंग प्लीज लेट मी मीन इन द कामेंट सेक्शन लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करो टू द चैनल ऑल्सो इंस्टाग्राम भी धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है सो प्लीज़ शो सम सपोर्ट देयर एज वेल थैंक यू सो मच कलानी स्पोर्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग अस द फुटबॉल Please do not buy this football in the year 2023 it's an outdated football and see you guys next